नेक्स्ट है आपकी क्लास सेवेंथ एक्सरसाइज 11.2। इसमें आपको क्या बताना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये सारे आपको क्या दिए हैं, पैरेललोग्राम जिनकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, सब में यही सीन है। तो एरिया ऑफ जो पैरेललोग्राम होता है, फर्स्ट क्वेश्चन कर रही हूँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं हम, क्या होता है, बेस इनटू हाइट। ठीक है, बेस कितना है, 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो लिखो नहीं लिखो, क्योंकि हम तो डायरेक्ट निकाल ही रहे हैं। हाइट कितनी है, 4। तो एरिया कितना आ गया आपका, 28 सेंटीमीटर स्क्वेयर। क्लियर। सेकंड है आपका, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड हाइट, जो ये 90 का एंगल शो हो रहा है ना आपको, इसका मतलब ये हाइट है। हर एक में आपको ये सब 90 के एंगल्स हैं, यानी ये क्या है, आपकी हाइट है। ठीक है, तो फिर से एरिया ऑफ, सेकंड क्वेश्चन में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, बेस इनटू हाइट। ठीक है, बेस कितना है, 5, हाइट कितनी है, 3, तो क्या आ गया आपका, 15 मीटर है तो मीटर स्क्वेयर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वेयर। क्लियर। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन करते हैं, सी पार्ट जिसको कह रहे हैं, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, फिर से बेस इनटू हाइट। बेस कितना है, 2.5, हाइट कितनी है, 3.5, मल्टीप्लाई कर लो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, 3.5 2.5 25 17 पॉइंट बाद में लगा लेंगे, मल्टीप्लाई 2 5 10 2 3 6 7 5 7 8। कितना है पॉइंट के बाद, 2 डिजिट्स हैं, 2 से पहले आ जाएगा आपका, एट पॉइंट सेवन फाइव। क्या मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो आपका सेंटीमीटर। क्लियर क्लियर 8.7 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ऐसे ही आपका कौन सा पार्ट आ जाएगा, डी पार्ट, डी पार्ट। डी पार्ट में क्या है, फिर से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फाइव मल्टीप्लाई 4.8, बेस इनटू हाइट, क्योंकि हाइट अब किस तरीके से है, हाइट अब अपोजिट साइड से ऐसे है, ये हाइट है, ये जो ऐसे पड़ रही है ये हाइट है आपकी, इसमें ये है। ठीक है, और बेस क्या है, ये बेस है आपका, ये बेस है, ये हाइट है। ठीक है, तो 4 इंटू ये हो गया आपका, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 जो 40 5 4 जो 20 24। एक से पहले पॉइंट है वो लगा देंगे, सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, ई पार्ट सेम वही रहेगा, एरिया
पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, टू फोर ज़ा एट, टू फोर ज़ा एट सेंटीमीटर स्क्वेयर। क्लियर? बहुत इजी है पैरेललोग्राम का एरिया याद रखना क्या होता है, बेस इंटू हाइट। हर एक में मैंने यही लगाया है और कुछ भी नहीं किया, बस बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, फिर से बेस इंटू हाइट, मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। क्लियर? ये देखो इजीली सारे क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।